इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल। मैम, एक चर्चा चल रही है कि जो आप लोग जिस सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि सरकार लेकर आ सकती है, क्या वो वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर होता है तो आप लोगों का क्या रुख? बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिवली और होल हार्टेडली इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने औरतों की इक्वालिटी के लिए सो क्यों मंदा आखी कह के औरतों को सत्कारा था, लंगर में, पंगत में, संगत में बराबर का दर्जा दिया। और उसके बाद आपको हैरानी होगी कि हमारी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, 1925 में देश के आज़ाद होने से पहले उन्होंने औरतों को बराबर के वोटिंग राइट्स दिए थे। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा औरतों को बराबर का दर्जा देती रही है, लेकिन इस पार्लियामेंट में जिस तरीके का दर्जा औरतों को मिलना चाहिए, आज भी 33% की बात हो रही है, जबकि हमारी आबादी भी 50% है और सरकारों बनानों में आदमियों से ज़्यादा वोटर औरतें हैं जो सरकारें बना रही हैं, लेकिन अब भी हमको बराबरी नहीं, अभी हमको 33% के लिए लड़ना पड़ रहा है। पर जो वो 33% 75 साल के बाद जो आएगा तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। बहुत देर से आया लेकिन जो आए तो दुरुस्त आए। तो आप मानते हैं कि क्योंकि इससे पहले जब 2010 में जो है राज्यसभा में बिल आया था लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया था, तरह तरह के जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो समय काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, इस बार आसानी से जो है वो पास हो पाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने देखा है कि कितने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के ब्रूट मेजोरिटी करके पास हो जाते हैं, तो पिछले 10 सालों में ये भी हो सकता था, लेकिन नीयत नहीं थी। आज नीयत जागी है तो मैं शुक्राना करती हूँ भगवान का, और उम्मीद करती हूँ कि अब तो ब्रूट मेजोरिटी है और जो विरोध करते थे उनकी संख्या कुछ नहीं रही। तो एक हिस्टोरिक बिल होना चाहिए जो हिस्टोरिक 100% इसके हक में सबको वोट डाल के इसको पास करना तो चाहिए। तो आप मांग करेंगे कि ये जो पुरानी संसद भवन अभी हम हमारे पीछे दिख रही है, जब इस नए संसद भवन में पहुंचेंगे तब एक नया कानून, ऐतिहासिक कानून, प्रधानमंत्री ने बोला भी है कुछ ऐतिहासिक जो फैसले लिए जाएंगे, सबसे पहला वही बड़ा फैसला? उम्मीद करती हूँ, अब ये तो सरकार ही जाने, और ऐसे फैसलों को वो छुपा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सब इसको वेलकम करेंगे। ये सेशन बुलाया गया, ऑपोजिशन को बताया नहीं कि एजेंडा क्या है, क्यों है, लोगों के पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं, ये सेशन चला के इतनी क्या अर्जेंसी थी, क्योंकि ये पिछले सत्र में भी हो सकता था, ये अगले सत्र में भी हो सकता है, तो क्या अर्जेंसी रही है वो आज तक किसी को समझ नहीं आई कि टैक्स पेयर का पैसा ऐसे बर्बाद क्यों किया गया। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये वेल ऑफ सीक्रेसी के साथ जो सरकार चलती है ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में शोभा नहीं देती, तो सब एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर ये बिल आता है तो उसका समर्थन करेंगे और तमाम जो है जो दल है अब वो इस ये बात कर रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि पुराने संसद भवन से जब नए संसद भवन में पहुंचेंगे तब देश को मिलेगा महिला आरक्षण का नया कानून। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।